गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड वाचिंग माय चैनल व्लॉग्स विद आफ्ताब। तो गाइस लाइक यहाँ पे जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उन्हें पता है कि यहाँ पे मैं करंटली गुजरात में हूँ जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस है प्रीवियस वीडियोस है उसमें हम गुजरात को पूरी तरह से जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है प्रीवियसली मैंने बालाराम पैलेस जहाँ पे सूर्यवंशम मूवी की जो है शूटिंग हुई थी वो जो है यहाँ पे कवर किया। तो आई बटन में लिंक दे दूंगा वहाँ से चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आज हम आए हैं यहाँ पे बकरा फार्म पे। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि गुजरात में मोस्ट ऑफ द पीपल का जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है यही धंधा करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनली भी मुझे जो है मेरे पर्सनल लेवल पे भी बकरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए यहाँ पे आज यहाँ पे जो है वन ऑफ द बिगेस्ट बकरा फार्म है जो यहाँ का हमारे एरिया का वहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे यहाँ पे आपको 150 प्लस बकरे यहाँ पे एट प्रेजेंट है। नॉर्मली यहाँ पे 300 प्लस रहते 400 प्लस रहते बट यहाँ पे अभी जो है बकरा ईद का टाइम नहीं है। आगे आपको बताऊंगा क्या सिनेरियो पूरा बट करेंटली 150 प्लस बकरे यहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे 20-15 दिन के। तो पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए आज एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे हम बकरा फार्म को। और हमें यहाँ पे वीडियो में आज जो है ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ है यहाँ के लोकल शफीक भाई। कैसे शफीक भाई? हाय गाइस। तो ये शफीक भाई है जो यहाँ के लोकल है। इन्हें बकरों की बहुत एक नंबर टॉप लेवल की नॉलेज है। तो यहाँ पे जो है हम इनके साथ जो है पूरा वीडियो एक्सप्लोर करेंगे पूरी आप लोगों को डिटेल्स देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अब तक जो है आप लोगों ने पूरा सिनेमेटिक व्यू में जो है पूरे यहाँ पे बकरे बच्चे देख लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को जो है एक एक यहाँ पे जो है बकरे की स्पेशलिटी ब्रीड एंड यहाँ पे पूरी उनकी कितनी एज है और कितने खूबसूरत बकरे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे बकरियों के सेक्शन में। यहाँ पे जो सेक्शन अलग अलग डिवाइड किया मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा बकरियों का अलग सेक्शन है, बच्चों का अलग है, बकरों का अलग है, बड़े बकरों का अलग है। पूरे सेक्शन देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बकरियों में जिन्होंने यहाँ पे जो है अभी अभी बच्चों को जो है यहाँ पे मीन्स 10 से 15 दिनों में बच्चे भी यहाँ पे उनके हो चुके। तो पहले वो बकरे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितनी बकरियाँ है ये सारी जो भी दिखाई दे रही ये सेक्शन में यहाँ पे ये जो है पूरी बकरियाँ और यही बकरियों के जो बच्चे आप लोगों को यहाँ पे अंदर दिखाई देंगे। और ये बच्चों की जो है एज भी यहाँ पे सिर्फ 15-20 दिन ही है। तो यहाँ पे बच्चों के सेक्शन में जाते बाद में पहले बकरियों का देख लेते हैं बकरियाँ कौन से ब्रीड की है, नस्ल क्या है और जो जो है सारी चीज़ इसके बारे में देखते हैं। शफीक भाई यहाँ पे टोटल अपने पास जो बकरियाँ है वो कितने ब्रीड्स की है, कितने कितने नस्ल की है? 2-3 नस्ल की बकरी है यार, मतलब जमुनापारी अपना ये गुजरी हो गई और सौजत और हमारी यहाँ लोकल ब्रीड है जो पथीरा। तो इसमें से हाईएस्ट भी जो हाई लेवल की क्वालिटी की जो बोली अच्छे में अच्छी वाली कौन सी ब्रीड है वो पथीरा। पथीरा बताओ ना कौन सी बकरी इसमें से पथीरा है? पथीरा ये जो है ना इसको भी पथीरा बोलते हैं। अच्छा ये वाली पथीरा है तो मालूम कैसे पता पतीरा बकरी इसमें कैसा होता है? जो इसके कान पत्ते कान रहते हैं। अच्छा पत्ते कान रहते हैं, साइज के कान रहते हैं और जो इसकी गुलाबीपन। अच्छा अच्छा और इसकी जो बनावट एकदम गुलाबी स्किन रहती है इसकी। इसके लिए इनको पतीरा बोलते हैं। तो इसके जो बच्चे भी होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लोग खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इसके बच्चे भी तुमको दिखाऊंगा अभी, ये 15-20 दिन के बच्चे है। अच्छा ये 15-20 दिन की बच्चा दी हुई। अच्छा बच्चा दी हुई बकरी है। तो देख सकते हैं आप लोग ये पतीरा बकरी है और ये 10 से 15 दिन के बच्चे दे चुकी है। एक बकरी कितना, एक ही बच्चा देती है या दो भी होते हैं? कभी दो भी दे देती है। अच्छा तीन भी दे देती है, एक भी देती। अच्छा है। तो ये जात की 2-3 भी देती है मतलब? हाँ, देती है। अच्छा वैसे दो तो देती है। अच्छा दो तो मिनिमम होता ही है। और दूसरा कौन सी जात बोले थे आप, कौन सी ब्रीड थी? अभी हमारे पास और है गुजरी। गुजरी बताओ कौन सी है? एक ही पीस है ये। अच्छा कौन सी है बताओ गुजरी? एकदम फुल जंबो साइज में है। अच्छा ये गुजरी है। हाँ। अच्छा ये प्रेग्नेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं इसने भी बच्चे। अच्छा दे दिए बच्चे ऑलरेडी। हाँ।
तो इसका इसका कैसे मालूम पड़ता है कि गुजरी है, क्या इसकी क्या स्पेशल है? में कैसा रहता है कि इसके डबल कलर में रहती है और सिरोही अच्छा। और सौजत में क्रॉस में जो होती है सिरोही और सौजत क्रॉस में हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग जो करते हैं तो उसको गुजरी बोलते हैं। अच्छा मिक्सअप है मतलब दो का, वो गुजरी ब्रीड है ना वो सौजत और सिरोही की। तो इसका भी बच्चा है अंदर? हाँ है ना। अच्छा तो इसका भी बच्चा देखेंगे। तो ये बकरियाँ यहाँ पे देख सकते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत, यहाँ पे आपको दिखाई देगी ज्यादातर पूरा जितने भी यहाँ पे बकरियाँ सब व्हाइटी है यहाँ पे और इनके बच्चे भी बहुत। अच्छा भाई ये जो गले में बांधा हुआ पाइप इसका क्या रीजन है? इसे बकरी बकरे देखो होता है कि जो बकरी अपने आप दूध पी जाती है। अच्छा अपना हाँ अपना दूध पी जाती है ना तो उसको ये बांध देते हैं ना तो अपने थन के तब पोष। अच्छा पकड़ के बताओ भाई पहले उसको लाओ ना नजदीक थोड़ा। ये जो बकरी रहती है ना हाँ ये मतलब यहाँ से वहाँ अपना थन पी लेती है। अच्छा खुद अपना दूध पी लेती है तो उसके लिए गले में पाइप बांधते हैं तो वहाँ पोष नहीं पाती वो। ओके ओके ओके। अच्छा तो ये देख सकते हैं बकरियाँ यहाँ पे आप लोगों को। अब ये जितनी भी बकरियाँ यही बकरियों के पूरे बच्चे है ना भाई? हाँ पूरे के पूरे। हाँ तो ये जो बकरियाँ है यही बकरियों के बच्चे अंदर है यहाँ पे, जो कि कितने कितने वो दिन के होंगे? ये 15 मतलब 1 महीने के अंदर के है। अच्छा 1 महीने के अंदर से 15-10-20 दिन 10 दिन के भी है। हाँ तो चलिए अभी आप लोगों को बच्चों के पास लेके जाते। तो ये अभी देख सकते हैं अपुन जो है यहाँ पे अंदर के सेक्शन में, जहाँ पे बाहर जितनी भी बकरियाँ मैंने बताया था सब के सब उन्हीं के यहाँ पे बच्चे हैं। तो भाई ये कितने कितने उम्र के होंगे, क्या दिन कितने दिन के होंगे? ये 10 दिन 15 दिन और 20 दिन बस। अच्छा 10 से 15-20 दिन के बच्चे होंगे। ये देख लो उसमें से एक जो मेरे यहाँ पे शू लेस खा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कितने छोटे भाई हाथ में उठाओ ये देखो ये देखो ये पतीरा। अच्छा ये पतीरा ये जो मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ इसके कान पत्ते जैसे है और गुलाबी पन है फुल गुलाबी और तो, इसके जो सिंग भी अगर आएंगे ना तो अच्छा पूरे मार्बल सिंग रहेंगे। अच्छा मार्बल टाइप के सिंग रहेंगे। ये देखो इसको इसको देखो क्या कर रहा है। अरे छोड़ ये देखो इसके फूल भी है ना। अच्छा व्हाइट रहते हैं। अच्छा इसके फूल भी व्हाइट निशानी रहती है। ओके ओके गुलाबी फूल गुलाबी। ओके तो ये हो गया पतीरा था पतीरा। और दूसरा वो जो बड़ी वाली एक जो जंबो वाली थी बकरी उसका बच्चा एक, 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 एक बच्चा है हाँ मिक्स कलर में राइट। और एक किधर गया ये है ये ब्लैक एंड व्हाइट जो थोड़ा सा ये देखो लेकिन फूल गुलाबी में आए। अच्छा पूरे गुलाबी में पतीरा हाँ अच्छा टॉप क्वालिटी में है पतीरा। ओके ओके तो यहाँ पे जैसे जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर सब के सब व्हाइट है और पतीरा ब्रीड के ज्यादातर और बहुत ही खूबसूरत है पूरे के पूरे गुलाबी आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे यार मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कितने छोटे छोटे है। अच्छा शफीक भाई ये बकरिया जो है बकरिया को और ये बच्चों को अलग अलग क्यों रखा है इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अपने ना टाइमिंग पे इन लोग को है ना फीड करा सकते हैं। अच्छा मतलब दिन में 3 बार हम लोग जब छोटे रहते हैं ना 1 महीने तक के तो हम लोग दिन में 3 बार फीड कराते हैं फिर 1 महीने के ऊपर हो जावे तो फिर उनको दिन में 2 बार फीड कराते। अच्छा इसके लिए अलग ना फिर पूरे दिन वो लोग जो है दूध पीते रहेंगे फीडिंग चालू रहेगी। अच्छा अच्छा ओके ओके तो बकरी और बकरी के बच्चे हो गए। अब बाजू में और भी जो है बच्चे अभी ये बाजू वाले जो सेक्शन है ये क्या क्या भाई? वो भी बकरियों का ही है लेकिन वो 2.5 से 3 मंथ के। अच्छा अच्छा एज वाइज डिवाइड है तो ये कितने मंथ के? ये 15-20 दिन। अच्छा ये 15-20 दिन के बच्चे दिए वो बकरियाँ 3 मंथ ये 2.5 से 3 मंथ। तो आइए बाजू के सेक्शन में चलते हैं। तो ये जो अभी नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आ गए यहाँ पे जो बकरियाँ ये कितने मंथ के आपने बोले? 2.5 से 3 मंथ। 2.5 से 3 मंथ के जो बच्चे दिए हुए हैं वो बकरियाँ। तो यहाँ पे जैसे बकरियाँ और उनके बच्चे साथ में है उधर जो था बकरियाँ अलग थे बच्चे अलग थे क्योंकि वो 15-20 दिन के थे जैसे भाई ने बताया कि दिन में 3 बार फीड कराना था इसके लिए। यहाँ पे जो 2.5 से 3 मंथ के बच्चे हो चुके तो इसलिए वो बच्चे और उनकी माँ बकरियाओं को जो है साथ में रखा गया देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे भाई आप क्या बोले थे ब्रीडर भी है कोई? हाँ है ना अपना शहनशाह इधर है ना ये फार्म का जो शहनशाह आपको बताता हूँ देख सकते हैं। अच्छा ये प्योर पतीरा देख सकते हैं बाल निकाले हैं फिलहाल जस्ट अभी कल ही निकाले। अच्छा कल ही काटे इसके बाद लेके आओ ना उसको पकड़ो ना भाई। तो ये देख सकते हैं ये है इस फार्म का शहनशाह भाई माशाल्लाह इसकी साइज देखो भाई और पूरा पिंकिश कलर है पूरा पिंक पिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी आंखें कितने 6 दांत का और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा यहाँ पे पिंक है यहाँ पे और इसके बाल जो है कल ही निकाले गए हैं कल ही निकाले ना इसके बाल अभी चालू ही है बाल कटिंग। अच्छा बाल कटिंग भी चालू है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाल कैसे कट करते हैं बाल कट करने का फायदा क्या है बाल क्यों कट करते हैं इसके अंदर जो जुई रहती है। अच्छा जो मतलब कीड़े रहते हैं हाँ हाँ तो ये सीजन में ना हम लोग काट देते हैं इसका मतलब अच्छा। ये होता है कि जो अगर जुई कीड़े रहेंगे हाँ तो खून नहीं लेते। अच्छा वेट गेन नहीं कर पाते उस वजह इसलिए बाल कटिंग करते हैं तो बाल कटिंग भी चालू है गाइस वहाँ पे तो वो भी मैं आपको बाद में लेके आके बताता हूँ। तो ये जो है एक ब्रीडर है यहाँ पे फार्म का शहनशाह और दो ब्रीडर और किधर इधर ही के बाजू वाले सेक्शन में तो ये एक ब्रीडर है यहाँ पे इसका नाम है शहनशाह भाई फार्म का शहनशाह देख सकते हैं साइज माशाल्लाह। दूसरे दो ब्रीडर भी अंदर है वो इससे भी बड़े वो भी आपको बताएंगे तो देख सकते हैं आप इसकी साइज पट्टी वालर पट्टी सब एकदम माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं एकदम झालर पट्टी मार्बल खूर है
फुल पिंक में है, मुंडा है, एकदम यंग क्वालिटी है। अच्छा तो ये जितने भी बच्चे हैं जो भी ब्रीडर समझे इसी के ब्रीड के तीनों के ही है। अच्छा अभी फिलहाल इसको छोड़ा है, ये अच्छा। हो गया ना हाँ, सब बकरी ये वाली इससे क्रॉस होगी। ओके ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक शहनशाह था, सोजत बकरी है, ये पूरी सोजत बकरी है, इसमें इसके अंदर एक ही बकरी है जो जमुनापारी मतलब है। अच्छा बाकी सारी के सारी सोजत बकरियाँ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं सारी के सारी सोजत बकरियाँ और उनके बच्चे हैं, और यहाँ पे जो है एक ब्रीडर भी है। अब चलते बाजू वाले सेक्शन में। सो नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्शन में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को सारे के सारे ये बकरे दिखाई देंगे, इनके भी सबके जो है बाल निकाल दिए हुए, और ये जो है पूरे के पूरे बकरे जो है अराउंड 75 kg है, 75 प्लस यहाँ पे जो है सारे के सारे बकरे। तो देख सकते हैं सारे के सारे बड़े बकरे यहाँ पे। भाई ये सब कौन सी ब्रीड के बकरे, सब मिक्स है के? मिक्स है, ये जमुनापारी है। अच्छा ये जमुनापारी है, जमुनापारी है। अच्छा ये सोजत है, सोजत कौन सा है? वो अजमीरा है, ये सब सोजत है। अच्छा ये व्हाइट वाले सब सोजत है, ये सोजत है। तो बड़ा वाला बकरा पकड़ो ना एक, जो सबसे बड़ा हो, ये अजमीरा है। अच्छा ये ब्राउन वाले, बाल काटने के बाद तो और अच्छे दिख रहे बकरे एकदम माशाल्लाह। ये सोजत है माशाल्लाह, एकदम A1 क्वालिटी, टॉप क्वालिटी इसको बोल सकते हैं। अच्छा ये सोजत है A1 क्वालिटी, इसका वेट कितना होगा? इसका 80 kg के आसपास, अंदर है। अच्छा 75 to 80 kg। अच्छा अगर इसको बेचना रहेगा तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? वो आपको कॉल पे बता देंगे। अच्छा कॉल पे बता देंगे, तो यहाँ पे मैं जो है कॉल की डिटेल्स, काम है ना, हाँ भी लेके जाते हाँ, और फार्म वाले भी लेके जाते, तो अलग रेट उसी हिसाब से डिफर करते हाँ। तो प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा नंबर, कॉल पे आप लोग देख सकते हैं। वैसे अपने को सेलिंग तो नहीं करना है हाँ, लेकिन ऐसा कोई बंदा आ गया तो अपन कर सकते हैं हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देंगे जिसको चाहिए तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो देख सकते हैं माशाल्लाह ये बकरा। अच्छा यहाँ पे होम प्रोडक्ट है, अच्छा सब होम प्रोडक्ट है, सब घर के यहाँ पे ब्रीड से, बाहर का खरीदा हुआ नहीं है। तो ये बकरे हो गए, और ये जो है 75 to 80 kg के बकरे हैं। अब इसके बाजू में जो आप अगर देखेंगे तो बाजू में एक सेक्शन है जो 80 to 90 kg का, तो चलिए आप लोगों को वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। सो गाइस ये आ चुके हम लोग जो है हाईएस्ट, यहाँ के जो वेटेज बोल सकते हैं हाईएस्ट बकरे टॉप क्वालिटी के वो सेक्शन में, एंड माशाल्लाह गाइस यहाँ पे आप साइज़ देखें खाली बकरों के, मैं थोड़ा और क्लोजली यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे ये जो है अराउंड 90 kg के वेटेज के, ये देख सकते यहाँ बकरा, आप लोग यहाँ पे बस भागते भागते हाथ में जल्दी आने, लेकिन माशाल्लाह इतने खूबसूरत और इतने हैवी बकरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारे बकरों के बाल काटे तो और ही ज़्यादा जो है अच्छे दिख रहे। तो शफीक भाई एक बकरा पकड़ो ना जो सबसे हाईएस्ट हैवी हो। तो गाइस यहाँ पे जो बकरे हाथ में ही नहीं आ रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे जो है जैद भाई है यहाँ के जो कैरटेकर, वो यहाँ पे आए हैं बकरे पकड़ के देने के लिए, क्योंकि बकरे हमारे हाथ में ही नहीं आ पा रहे। शफीक भाई के भी हाथ में नहीं आ रहे, कबड्डी खेल रहे शफीक भाई के साथ। तो यहाँ पे जैद भाई आए, भी देखो जैद भाई पकड़ के देंगे, ये देखो एक बार में पकड़ लिए। तो जैद भाई कितना वेट होगा इस बकरे का? ये 98 kg है माशाल्लाह, तो देख सकते हैं यहाँ पे 98 kg का बकरा है। इसकी ब्रीड कौन सी है? गुजरी का ही है ये भी, तो देख सकते हैं ये आप लोगों का जो है 98 kg का है, ये ओनर है, और ये जो है जैद भाई यहाँ के ओनर है। तो शफीक भाई से तो बकरा पकड़ा नहीं गया, कबड्डी खेले थे, और जैद भाई आके 2 मिनट में यहाँ पे तुरंत पकड़ के दे दिए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी हाइट कितना, इसका एज कितना होगा? 2 साल का होगा ये, तो ये 98, और बाकी सब भी यही अराउंड 98-95 वही केजी के उतने ही उसका है। तो हाईएस्ट यही है कि दूसरा और के बकरा है वेट में हाईएस्ट? नहीं हाईएस्ट यही हाईएस्ट। तो देख सकते हैं ये माशाल्लाह 98 kg का अराउंड, और खूबसूरती भी देख सकते हैं यहाँ पे बाल कट चुके, तो यहाँ पे और ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बाल कहाँ पे कटे वो भी आपको बताऊँगा, बाल किस तरह से कटते। तो जैद भाई यहाँ पे अगर समझे किसी को कोई बकरा अगर खरीदना है या फिर कोई सामान लेना है बकरों को जो खिलाने पिलाने का, तो अगर आपसे चाहिए तो उसके लिए क्या कॉन्टेक्ट कैसे करें, क्या आप देते हो कि नहीं? नहीं नहीं देता, अगर अरेंज करना है तो इनको अरेंज करा के मैं दे सकता हूँ। अच्छा, और अभी तो मेरे पास फिलहाल तो सब सोल्ड आउट है। अच्छा सब सोल्ड आउट है ऑलरेडी, सोल्ड आउट है। अच्छा नया माल आएगा इंशाल्लाह बकरीद के बाद आएगा। अच्छा। बच्चे आएंगे फिर तो कोई नहीं, बकरीद बाद नया माल आएगा तो फिर से एक और व्लॉग बना देंगे अपन। तो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, कुछ आप लोगों का सजेशन चाहिए, या फिर अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ अरेंजमेंट चाहिए, तो यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। जैद भाई जो आप लोगों की वहाँ पे जो है रीच आउट करके आप लोगों की हेल्प कर देंगे, ठीक है ना जैद भाई? और आपका नंबर जो है यहाँ पे जैद भाई का मैं कमेंट में यहाँ पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए। क्योंकि बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं पूरा फार्म यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, फुल ऑर्गेनाइज वे में, बकरियाँ अलग, बच्चे अलग, बड़े बकरे, मीडियम साइज़ के बकरे, और ये पूरा के पूरा सिंगल हैंडेड जैद भाई
अकेले पूरा जो है मैनेज करते हैं, तो काफ़ी एक्सपर्टीज है उनकी यहाँ पे बकरियाँ हैंडल करने में। तो अब चले शफीक भाई नेक्स्ट चलते वो हेयर कटिंग में। तो अब यहाँ पे जितने भी बकरे आपने देखे सबके बाल काटे हुए, तो बाल किस तरह से कटते हैं और कहाँ काटे जा रहे वो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल 3 ब्रीडर्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते एक तो बाहर बताते तो बाकी के 2 ब्रीडर्स यहाँ पे है। कौन सा ब्रीड है भाई ये शफीक भाई? ये जो पहला वाला है ना व्हाइट आइस में पतीरा है। अच्छा ये पतीरा बोलते। अच्छा तो जो अपने फर्स्ट जो बच्चे देखे थे जो भी 15-10 दिन के थे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेक्शन में, वो सब इसी के, तो व्हाइट फर्स्ट वाला जो बकरा है पतीरा सब उसी के बच्चे थे। और सेकंड वाला ब्रीड कौन सा है? वो सौजत में है। सौजत में। अच्छा तो जो फर्स्ट वाले अपने जितने भी देखे थे वो 15-20 दिन के बच्चे थे, वो सारे के सारे ये वाला जो बकरा है देख सकते हो व्हाइट ऐसी जो सबसे आगे ये बकरे के थे, और ये हमारा थर्ड ब्रीडर। तो टोटल यहाँ पे फार्म में अभी 3 ब्रीडर है राइट। अच्छा तो ये तो अपना ब्रीड हो गया। अब यहाँ पे जो हेयर कटिंग हो रहा था वो किधर बाजू में ही है ना, तो आइए यहाँ पे हेयर कटिंग का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बाल काट रहे ऑलरेडी इतने सारे तो बाल कट चुके, तो यहाँ पे ये भाई लोग बाल काटते आप लोग काटते तो अच्छा बाल काटते। तो जैद भाई मतलब यहाँ पे बकरे का क्या एक बकरे का चार्ज लेते कैसा रहता बाल काटने का? कितना रुपया? 150 रुपया लेगा। ₹150। अच्छा स्टेट के बाहर जाएंगे तो 150 रुपया और इधर ही रहेगा मतलब। हाँ अपने इलाके में रहेंगे तो 100। अच्छा एरिया में रहेंगे तो 100 रुपया, बाहर जाएंगे तो 150 रुपया थे एक बकरे का बाल काटने का। अब मशीन वशीन सब आप लोग लेके आते हैं? अच्छा तो एक काट के बताओ ना जरा, देखो ये बकरा लेके आए जैसे का बच्चा, तो ये देख सकते हैं मशीन आप लोग उनके हाथ में है, तो आइए देखते कैसे काटते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे भाई लोग से बात हुई, अगर यहाँ पे आप लोग जो है ये वीडियो देख रहे हो वीडियो देख के भाई लोग को कांटेक्ट करते हो, तो जैसे कि वो 150 बोले थे तो 150 की जगह 100 रुपये तक में भी यहाँ पे जो है बकरे के एक बाल कट जाएंगे, और साथ में जो नाखून रहते हैं जो बकरों के नेल्स रहते हैं वो काटने का जो है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देते, मतलब 120 में 150 रुपये में आपको बाल और नाखून दोनों मिल जाएगा कट के, और नेगोशिएबल है प्राइस यहाँ पे जो कम ज़्यादा आप डायरेक्ट बात करके कर सकते हैं। तो मैं नाखून काट के बताओ ना कैसे काटते हैं। तो ये हमारा जो ब्रीडर था आइए देखते हैं उसके नाखून ये लोग कैसे काटते हैं। जो जैद भाई है यहाँ के हेड है, तो अगर आपको कुछ भी काम है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैद भाई आपका नंबर दे दो ना डायरेक्ट, 9898888738। तो ये जैद भाई का नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो आपको कोई भी हेल्प भी चाहिए तो भी यार बहुत दिलदार बंदे आपके तुरंत हेल्प कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे जो हेयर कटिंग करवाना है बकरों का या नाखून कटवाना है तो वो भी जैद भाई से आप लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं, ये जो भाई लोग का कॉन्टैक्ट नंबर आपको जैद भाई प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो जैद भाई है अपने वो बकरों के साथ साथ जो कबूतर के भी बड़े शौकीन है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कबूतर है। तो जैद भाई मारी बनने का इरादा है क्या आपका वो पिक्चर की तरह? शौक के लिए रखा है। अच्छा तो अपने जैद भाई बड़े शौकीन है, देख सकते व्हाइट कबूतर भी बहुत सारे यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे कबूतर है। तो देख सकते यहाँ पे जो कबूतरों के पास अंदर भी आ गए, और यहाँ पे यार ये भाग भी नहीं रहे काफी सही है, देख सकते सारे के सारे व्हाइट कबूतर है यहाँ पे ज्यादातर। सो गाइस यहाँ पे जो है आज हमने जो है आप लोगों को पूरा बता दिया, यहाँ पे बकरों के बारे में बता दिया कितने प्यारे प्यारे अलग अलग तरीके के बकरे हैं। सो आई होप आप लोग भी यहाँ पे अगर जो है बकरा आप लोगों को पसंद है, बकरा अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा देखने में। और गाइस यहाँ पे गुजरात में हो तो अभी इसे मैंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे बकरा फार्म देख लिया, इसी तरह से पोल्ट्री फार्म भी है यहाँ पे जो है बकरे मीन्स बकरे की तरह यहाँ पे जो है पोल्ट्री फार्म है, चूजे लाते इतने छोटे छोटू और 45 जितने बड़े होकर जो अपन चिकन शॉप से लेते वो पे वो जो है मुर्गियां रहती कैसे बड़ी होती क्या खिलाया, तो वो भी पूरा यहाँ पे देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस फॉर टुडे दैट्स इट, आज के लिए इतना यहाँ पे हमारा व्लॉग जो है एंड करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, बाय बाय टेक केयर।